हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं MCS 012 का एडर। एडर क्या होता है, एडर कितने प्रकार के होते हैं और हाफ एडर फुल एडर के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखते हैं। और ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कितनी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इससे रिलेटेड और भी वीडियोस आते रहेंगे MCS 012 से रिलेटेड। जितने नॉमिनिकल क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे, उन सारे को सॉल्व किया जाएगा। और थ्योरी क्वेश्चन तो पहले से मैंने करवा रखा हुआ है, तो उसकी तो ज़रूरत ही नहीं है करवाने की। बट ये जो क्वेश्चन है मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन, उसको हम सॉल्व करेंगे। और वीडियो को लाइक करके बिना मत जाना और शेयर कर देना, ताकि आप लोग के जो भी फ्रेंड्स हो उनको ये वीडियो का लाभ मिल सके। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, लेट्स गो। हे गाइस, तो हम आज देखने वाले हैं ना, ये ब्लॉक 1 के यूनिट 2 का एडर्स, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज का ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एडर होता क्या है। एडर इज एन डिजिटल सर्किट। एडर जो एक डिजिटल सर्किट है जो परफॉर्म करता है एडिशनल नंबर्स को, ठीक है। एंड मैनी कंप्यूटर एंड अदर्स काइंड्स ऑफ प्रोसेसर, इसको मतलब बहुत सारे कंप्यूटर और अदर्स काइंड्स ऑफ प्रोसेसर को वो ऐड करते हुए यूज़ करते हैं अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट के लिए, ठीक है, ALU के लिए। एडर्स कितने प्रकार के होते हैं? एडर्स टू काइंड्स के होते हैं, मतलब दो प्रकार के होते हैं, टाइप्स के होते हैं, हाफ एडर एंड फुल एडर, ठीक है। एग्जाम में पूछता है कि एडर क्या है, ठीक है, उसके बाद पूछेगा हाफ एडर और फुल एडर क्या होता है। एक ही में ही क्वेश्चन होता है, 8-10 नंबर का क्वेश्चन होता है, ठीक है। हाफ एडर और फुल एडर को कहेंगे एक्सप्लेन करते हुए, चलो ठीक है। तो वो उस क्वेश्चन का टोटल आज मैं यहाँ पे कंटिन्यू करवाने वाली हूँ। हाफ एडर में क्या होता है कि इसमें दो इनपुट जाता है, सर्किट होता है, ट्रुथ टेबल होता है और फाइनल इसमें तो होता है 3 इनपुट, इसमें सर्किट होते हैं, इसमें भी ट्रूथ टेबल होते हैं एंड फाइनल एक्सप्रेशन होता है, और ये फाइनल एक्सप्रेशन का पार्ट है, ठीक है। हाफ एडर क्या होता है, हाफ एडर देखते हैं। हाफ एडर क्या है कि हाफ एडर इज़ अ कम्बिनेशनल सर्किट विथ टू बाइनरी इनपुट एंड टू बाइनरी आउटपुट, ठीक है। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन सर्किट है, ये कॉम्बिनेशन का ही पार्ट है, जैसे कि मैं एडर्स वगैरह था ना, तो ये एडर है। तो ये कम्बिनेशन सर्किट का ये पार्ट है जो दो इनपुट बाइनरी इनपुट लेता है और दो बाइनरी आउटपुट को भेजता है, सम एंड बाइट के साथ, कैरी बाइट के साथ, कुछ इस तरीके से ये होता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब ये हाफ एडर क्या कहता है, हाफ एडर पे देखते हैं। हाफ एडर क्या कह रहा है, सॉरी फुल एडर, कि अ फुल एडर इज़ अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट एड्स टू बाइट एंड अ कैरी एंड आउटपुट अ सम बाइट एंड कैरी बाइट। ये क्या करता है ना, इनपुट लेता है 2 बाइट का, जिसमें कैरी भी शामिल होता है, आउटपुट देता है सम और ये कैरी बिट, ठीक है। तो ये इस तरीके से शो होता है, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों के जो एक्सप्लेनेशन है ना, उसको हम चेकआउट करते हैं, ठीक है, वो भी हम देखेंगे कि उसको कैसे, अगर एग्जाम पूछता है फुल एडर और हाफ एडर का एक्सप्लेनेशन करो तो कैसे ट्रूथ टेबल, मैंने बताया ट्रूथ टेबल है सर्किट है वो कैसे होगा, तो देखते हैं। ये हाफ एडर के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, तो हाफ एडर बना रहे हैं। तो हाफ एडर में कहेगा कि एक सम क्रिएट करो, सम बाइट क्रिएट करने को कहेगा। तो सम बाइट कैसे क्रिएट होगा वो हम देखेंगे आज, ठीक है। इसमें कहेगा कि एक इनपुट लेता है 0 और भी एक इनपुट लेता है 0, तो सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमारा, ठीक है। और ये कैरी क्या हो जाएगा, कैरी क्या लेगा, तब भी 0, क्योंकि अगर 0 0 को प्लस करोगे तो ऑफकोर्स 0 आएगा, बट कैरी में भी कुछ नहीं बचने वाला। अगर ए को फिर इनपुट लेते हो 0 और बी को इनपुट लेते हो 1, तो अगर 0 और 1 को प्लस करते हो तो 1 ही आता है, कैरी में भी कुछ नहीं बचता। इसमें कहता है 1 और 0 लेता है, ए अगर 1 लेता है और बी अगर इनपुट 0 लेता है, तब सम क्या होगा, तब भी 1 होगा, क्योंकि 1 प्लस 0 करो, 0 प्लस 1 करो, तब भी 1 ही आना है, तो 1 आएगा और ये 0 हो जाएगा, कैरी में भी कुछ नहीं बचने वाला। और अब कहता है, और ये तब क्या, अब क्या कहता है कि
वन और वन लेता है, यानी ए का भी वन लेता है इनपुट और बी भी वन लेता है इनपुट, तब क्या होगा? तो जाहिर सी बात है कि वन और वन को प्लस करते हो तो टू आता है, और टू का बाइनरी क्या होता है? ज़ीरो, और ये वन होता है, ठीक है? तो ज़ीरो वन यहाँ हो जाएगा। अब देखो ए इसमें दो इनपुट जाता है, ए और बी एक दो इनपुट लेता है, और एस और सी को आउटपुट कहलाता है। एस सी का मतलब है एस से सम, और ये सी से कैरी, ठीक है? अभी कहता है के मैप ड्रो करो। के मैप कैसे ड्रो होगा? आपको ये सम वाली चीज़ को देखनी है कि कितने में वन आती है, इस सम वाले पार्ट को देखना है के मैप के लिए, ठीक है? तो हम बॉक्सेस बनाएंगे के मैप, जैसे कि उसकी भी वीडियो मैं डालने वाली हूँ बहुत जल्दी, के मैप हमिंग कोड इस सब के वीडियो आएगी। तो क्या करना है ना, के मैप बनाना है। के मैप बनाने के लिए पहले हम लोग को जानना ज़रूरी होता है कि कितने जो भी मतलब कितने वेरिएबल को ये यूज़ कर रहा है, ठीक है? उसके बाद ही हम लोग जान पाते हैं कि कैसे बनेगा, ठीक है? तो हम लोग देख रहे हैं कि ए और बी यानी दो ही इनपुट है, तो टू के ऊपर एन का पावर जो भी जितने वेरिएबल हो गए वो एन के ऊपर आ जाएंगे, और जो भी होगा वो आ जाएगा। जैसे कि टू के टू तो हमारा कंपलसरी, और इसके पावर में हमारे पास दो वेरिएबल है, तो यहाँ टू के ऊपर टू का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आंसर फोर है, यानी फोर बॉक्सेस हमारे बनने हैं। फोर बॉक्सेस मैंने कंटिन्यू कर लिए, और ए और बी को इस साइड इस तरीके से लिख लेना है, और ये ज़ीरो और ये वन, ये फिर ज़ीरो ये वन, और ज़ीरो का मतलब होता है निगेटिव पॉइंट, यानी ये ए को इस तरीके से कोट करेगा, और वन जो होता है ये ए को इस तरीके से करेगा, ठीक है? नॉर्मल ए रहेगा। तो उसी तरीके से है कि इसमें वन हमारे कब कब आ रहा था, एक एक वाले पार्ट में आ रहा था, और एक एक दो वाले पार्ट में आ रहा था, है ना? तो यहाँ पे वो एक और दो लिखेंगे, क्योंकि ज़ीरो वन टू थ्री, ठीक है? तो वन के पास वन लिखेंगे और टू के पास वन लिखेंगे। और इसमें कैसे सॉल्व किया जाता है, जैसे कि हम बताए हुए हैं कि अगर पार्ट सेम रहता है तो उस कैरेक्टर को लिखते हैं, अगर सेम नहीं रहता उसको नहीं लिखते। तो यहाँ ए बच रहा है, ये वाला पे देखते हैं यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ ए बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ ए का निगेटिव पार्ट बच रहा है, तो ए का निगेटिव पार्ट यहाँ लिख लेंगे। और इसके ऊपर देखेंगे, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर तो ये बी वाला था, तो ये केवल बी बचेगा, क्योंकि वन है तो सिर्फ सिंपल बी होगा, और अगर जीरो होता तो ये नॉट गेट वाला बी होता कुछ इस तरीके से, तो ये सिंपल बी हो जाएगा, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है? और ये प्लस आया। अब इसकी बारी, अब इसकी बारी में देखेंगे कि सिंपल ए है तो सिंपल ए को यहाँ लिखेंगे, और ये बी है तो बी नेगेटिव पॉइंट है, तो बी भी इस तरीके से लिख के, और ये एक्सॉर का पार्ट यहाँ पे कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है? अब उसी तरीके से इसको देखेंगे, इसका जो है ना लॉजिक गेट्स भी बना सकते हैं। जैसे एक्सॉर है तो इसका लॉजिक गेट कैसे बनेगा, कुछ ए करके बी करके और ये पार्ट ऐसे जाता और ये पार्ट ऐसे जाता और ये ऐसे करके ऐसे निकल गया होता, ठीक है? तो ये हमारा लॉजिक गेट हो गया। तो अब देखते हैं फुल एडर क्या कहता है। तो यहाँ पे उसका ये लॉजिक गेट बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने बनाया था, ठीक है? अब चलते हैं ये फुल एडर पे। फुल एडर क्या कहता है, इसमें थ्री इनपुट्स होते हैं, ठीक है? तो ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, ठीक है? आप कुछ भी ले सकते हो, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ठीक है? आप कुछ भी एग्जॉर कर सकते हो, ठीक है? तो इसमें देखते हैं कि ज़ीरो और ज़ीरो को प्लस करेंगे, यानी इसमें भी ज़ीरो को प्लस करेंगे तो ज़ीरो आएगा। वो प्रोसेस कुछ इसी तरीके से आप लोग देख लेना, ठीक है? कि फिर ज़ीरो और ज़ीरो को प्लस करेंगे तो ऑफकोर्स ज़ीरो आएगा, और ज़ीरो को वन करेंगे तो उस सम में वन आएगा, और ये कैरी में ज़ीरो हो जाएगा। तो कुछ सब वो प्रोसेस इसी तरीके से है। तो इसमें भी हमको सम का ही देखना है कि मैं बनाने के लिए, ठीक है? तो हम बनाएंगे बॉक्सेस, यानी हमारे पास कितने वेरिएबल थे, तीन वेरिएबल थे, तो टू का पावर कितना हो जाएगा, थ्री, और ये थ्री का कितना हो जाएगा, एट। तो एट बॉक्सेस हम लोग क्रिएट करेंगे, ठीक है? और एक बॉक्सेस के साथ ए यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और बी सी यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, और यहाँ जहाँ जहाँ वन था उसको यहाँ पे वन क्रिएट करेंगे। जैसे कि हमारा वन नंबर में वन आया पड़ा है तो वन नंबर में लिखा मैंने, यहाँ दो में भी वन है, दो में भी वन है यहाँ पे, और ये
फोर में भी वन है, फोर में भी वन मैंने डाल रखा है, और ये सेवन में वन है, तो ये सेवन में वन आया। ठीक है, अब उसके बाद जैसे मैंने बताया था उसी तरीके से कंटिन्यू करो। जैसे कि यहाँ पे है ये वाली, देखते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास ए का डॉट आया है, तो ए का डॉट, और ये ऊपर में हमारा बी सी आया है, यानी हमारे पास था ज़ीरो और वन। ठीक है, तो ज़ीरो तो बी का निगेटिव पॉइंट हो जाएगा और सी सिंपल में रह जाएगा, तो ये बी सी हो गया। ठीक है, एक डिब्बा का कंप्लीट, एक बॉक्सेस कंप्लीटेड। दूसरी बॉक्सेस के लिए देखते हैं ये वाले, इसमें भी ए का पार्ट निगेटिव है, तो ए का पार्ट निगेटिव है और ये ऊपर बी सी होगा, सॉरी डी यहाँ गलती से लिख गया है, डी नहीं होगा, बी सी, सी के ऊपर ये हो जाएगा, तो ये सी हो जाएगा, ये डिब्बा भी कंप्लीट। और बच्चे ये दोनों, इनके देखते हैं, इनके पास हमारे क्या बचते हैं कि ये जो है ये पार्ट, उसके वो ए लिखा जाएगा क्योंकि इसके पास ए बच रहा है, क्योंकि जैसे कि बताया मैंने कि ए ज़ीरो को कंप्लीट करता है निगेटिव पॉइंट में और ये सिंपल ए रह जाता है। ठीक है, तो वैसे ये हो गया, यहाँ का ए ले लिए और यहाँ से ऊपर से बी सी ले लिए। उसी तरह ये है, ये सिंपल में यहाँ वन वन था, तो यानी वन वन जब होगा तो सी और डी, बी और सी दोनों सिंपल में रहेगा, तो यहाँ पे वो ए बी सी हो गया। अब इसके हमारे लॉजिक गेट्स बना लेने हैं, कैसे लॉजिक गेट बनते हैं उन्हें क्रिएट कर लेने हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि ए अगर हम इसका बनाने जाते हैं तो इस तरीके से बनता है। ठीक है, बना के मैं दिखाती हूँ आप लोग को।